तमाम गुजरात में अहले सुन्नत के दोनों रहनुमाओं को कत्ल करने के खिलाफ मजम्मती इजलास का इंकार किया गया। मजम्मती इजलास दिल्ली से पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सियाल को जहांगीर की हदायत में मुनक़द किया गया, जबकि मजम्मती इजलास में उलमा बोर्ड के अराकीन और कारकुनान ने भरपूर शिरकत की। मजम्मती इजलास तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाज किया गया। इजलास में रुकन उलमा बोर्ड कारी मुबारक अली कादरी और अलामा जुशान नक़वी ने कहा कि हम गुजरात में अहले सुन्नत के दो रहनुमाओं को कत्ल करने की भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और गुजरात में मजहबी जमातों के कत्ल आम करने वाले मुलजमान दिन दराते फिर रहे हैं, जबकि गुजरात पुलिस मुलजमान को गिरफ्तार करने में नाकाम क्यों है। उन्होंने कहा कि हम अपने कायदीन के एक इशारे पर अपने तन मन जान कुर्बान करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी तंजीम एक पुरअमन तंजीम है और हम नहीं चाहते कि बदअमन फैले। रुकन उलमा बोर्ड कारी नसीर मदनी कारी साजिद कादरी ने कहा कि गुजरात में दो मजहबी जमातों का कत्ल पुलिस की ना अहल का मुखोता सबूत है। मुंबई उलमा बोर्ड और नशो शायद हल्का PP35 अलामा नसार और दीगर ने हताब करते हुए गुजरात में कानून की तजिया बिखेरने पर अपने तहफात का इजहार किया गया, जबकि मुकर्रीन ने DC और गुजरात और IG पंजाब पुलिस समेत RP और गुजरावाला से मुतालबा किया है कि अहले सुन्नत के रहनुमा के कातिलों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और लहावकीन को कोई इंसाफ फराहम किया जाए। इस मौके पर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सियालकोट की तहसील रहनुमा मुल्क आमिर इकबाल, इलामा इशफाक कादरी, हमजा कादरी, जुनेद कादरी, बाबा कदीर, शिबाज कादरी, उमर कादरी समेत दीगर और दरानों कारकुनान ने भरपूर शिरकत की।